मेहरचंद महाजन वो शख्सियत थी जो जम्मू कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जस्टिस मेहरचंद महाजन जो बाउंड्री कमीशन थी हमारी, तो जो हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्रीज हुई उसके भी ये चेयरमैन थे। और अगर ये गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट नहीं लेते और जो हमारे पास नहीं होता तो आज हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में होता। ये वो काम इन लोगों ने किए हुए हैं। आर्य समाज के प्रेजिडेंट रहे और भी अन्य संस्थाओं के ये इंचार्ज रहे, बहुत काम किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और इनके नाम से हमारे गांधीनगर में एक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक पार्क है जिसमें मेहरचंद महाजन के नाम से पार्क है। वहाँ गांधीनगर महाजन सभा की हमारी वो सभा भी पड़ती है। वहाँ एक हमारा हॉस्पिटल है, उसको भी हम लोग जम्मू सेंट्रल महाजन सभा चलाती है। और उस पार्क को मैंने खूबसूरत करने के लिए भी लगभग 10-15 लाख रुपये दिए है और भी उसको पैसा देंगे और उस पार्क को उनके नाम से अच्छा हम बनाएंगे। और जस्टिस मेहरचंद महाजन के नाम से हम हाई कोर्ट जो है हमारा चौक है वो जस्टिस थे चीफ जस्टिस उनके नाम से चौक का नाम रखा हुआ है। वहाँ उनका जो नीचे पटस्टल बन गया है उनका स्टैचू तैयार हो रहा है। हम लोग मैं और दिनेश जी वहाँ देखने के लिए गए थे। बहुत जल्द आने वाले समय में जस्टिस मेहरचंद महाजन जी का विदिन 1-2 महीने के अंदर अंदर ही उनका स्टैचू वहाँ हम लगाने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा स्टैचू और भी उनके नाम से जो जम्मू शहर में, मैं तो ये प्रयास करूँगा ये जो हमारे सामने असम्बली हॉल बन रहा है, बीइंग ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके नाम से इस असम्बली हॉल का नाम रखेंगे। और भी लोगों से प्रयास करेंगे कि उनके नाम से कोई कॉलेज, कोई और जगह कोई होगी, पार्क होगा, चौक चौराहा होगा, और भी उनके नाम से हम उनको ताकि दुनिया याद करे जो काम वो जम्मू कश्मीर के लिए कर गए हैं। आज उनका जन्मदिन है, हम जहां जम्मू सेंट्रल महाजन सभा में इस दिन को मना रहे हैं। धन्यवाद। महाजनों में महाजन रतन जस्टिस मेहरचंद महाजन, उनको हम इसलिए भी याद करते हैं कि आज हम जिस धरती में पर बैठे हुए हैं, जिस धरती पर खड़े हैं, उसको हिंदुस्तान के साथ मिलाने का उनका एक मुख्य जो है वो उद्देश्य, और साथ में उन्होंने पूरी कोशिश करके जो बाउंड्री कमीशन के जो मेंबर बने थे उसमें जम्मू कश्मीर को कैसे हिंदुस्तान के साथ मिलाए रखना है इसका उन्होंने पूरा आयोजन किया। उसमें लाहौर को पाकिस्तान को देते हुए और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को हिंदुस्तान के साथ मेल करके एक रास्ता जो है जम्मू कश्मीर का मिलाया। इसी से हम जो है आज हिंदुस्तान के साथ अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं, पे हम उनके एक बशिंदे हैं। आज के इस दिन पर हम ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो बहुत ही साधारण प्रकृति का था। उसने बहुत सादगी के साथ अपना जीवन जिया, सादगी के साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और चीफ जस्टिस बनने के बाद भी जो उनका जो लबोलबाब, जो जिस रहन सहन था, बड़ा सादगी भरा था। वो लोगों को यही बताते थे बड़ा बनो, समाज में अपना नाम बनाओ, लेकिन किसी को अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करो, पर मैं बहुत बड़ा हूँ। ये उनका एक बड़ा ही बहुत बड़ा एक समाज को एक मैसेज था और उसी मैसेज को लेकर के हम जो है आज महाजन सभा के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको याद करते रहते हैं ताकि उनका नाम जो है हमेशा बना रहे। वो जम्मू कश्मीर के नहीं लेकिन हिंदुस्तान के जो है वो चीफ जस्टिस जो है तीसरे नंबर पर बने, आज़ाद हिंदुस्तान पर बने। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को जो है सादगी के साथ जोड़ करके, जिसको हमारे उस समय के महाराजा हरि सिंह जो है उनकी श्रीमती और वो खुद डॉक्टर करण सिंह खुद उनको जो है मनाने के लिए गए, वो जो है इस धरती पर आए, इस धरती पर पहले प्रधानमंत्री जो है वो बन करके वो यहाँ के लोगों की सेवा करें, हमें मार्गदर्शन करें, जम्मू कश्मीर के लोगों का अच्छा मार्गदर्शन हो, इसके लिए उन्होंने कोशिश की। और मैं समझता हूँ वो इस संसार में अमर रहे, अमर हो गए हैं, अपना नाम उन्होंने अमर कर लिया है। उसको हम सदा बनाए रखने के लिए, महाजन सभा हमेशा याद रखने के लिए उनको हर साल उनका दिन मनाती है, और आज के दिन भी हम उनको याद करके अपनी सभा को जहां नाम ऊंचा कर रहे हैं वहां उनकी जो है आत्मा जो है भगवान के घर अनंत से रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।